तो क्या भगवा भगवा रंग इन्होंने नहीं भगवा कॉपीराइट कराया क्या इन्होंने कि यही पहनेंगे? अरे इस देश का कॉपीराइट है, जो भी हिंदुत्व को 120 करोड़ जनता का कॉपीराइट है, नेचुरल कॉपीराइट है भैया, जो प्रदत्त कॉपीराइट है, आप भी बनी है, जो भी सनातन संस्कृति को क्यों नहीं वहां इलेक्शन कमीशन को। बिल्कुल अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात मिश्रा जी ने कही है, मैं स्वागत करना चाहता हूँ। ये देश के अंदर मुहिम शुरू होनी चाहिए, आप अपनी मजबूरी मत प्रकट करिएगा साहब, हम मजबूर हैं बीजेपी के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। अच्छा सवाल एक मिश्रा ने यहाँ पर उठाया है, साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि अगर उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए तो आप उसके खिलाफ अभियान निकालिए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, उनसे बोलिए आखिर उनको क्यों चुनाव लड़ने दे जाए। वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पहले पहले और उनको पहले कह दीजिए कि वो जिस फिलॉसफी से ये वर्ड संत आता है उसी फिलॉसफी में ये डिफिनीशन दी गई है संत की, क्या परिभाषा होती है। अगर आपको उस फिलॉसफी का ज्ञान है तो आप अपने आप बोल दोगे। जितने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एके मिश्रा जुड़े हुए हैं, इनका जलवा था वो इस लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगा या जो कुमार विश्वास ने जो वोट डाला था वो इधर बदल कर पहुंच पाएगा इनके पास? नहीं देखिए, अमेठी का क्या है, जो दिग्गज नेता होते हैं ना जिनको बोलते हैं खानदानी सीट है, कांग्रेस हमेशा से लड़ रही है, पीढ़ियों से लड़ रही है, रायबरेली अमेठी वगैरह, तो भारतीय जनमानस का एक लगाव होता है। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी ने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है और मुझे ये लगता है कि जितनी दिग्गज सीटें हैं विरोधियों की, बीजेपी अब की बार कोशिश कर रही है कि उनको हराया जाए या उनको श्रिंक किया जाए, यानी उनकी ग्रैंड विक्ट्री ना हो। तो दो रिजल्ट मुझे क्लियर कट दिखता है। पहला रिजल्ट यह है कि हो सकता है स्मृति ईरानी जीते लेकिन चांसेस कम है, लेकिन चांसेस से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा यह है कि हो सकता है स्मृति ईरानी हार जाए यानी राहुल गांधी जी जीत जाए, लेकिन बहुत प्रेशर वाली वो जीत होगी, वो मार्जिन इतना विक्ट्री का कम हो जाएगा कि वो जीत जीत नहीं मायने रखेगी, क्योंकि कद्दावर नेता होने का मतलब ये होता है कि आप जीते, लगातार जीते और बहुत बड़े मार्जिन से जीते। तो कम से कम इतना तो जरूर होगा जो भी जीतेगा या हारेगा, अगर स्मृति ईरानी जीतती हैं तो उनका कद्दावर नेता का जो कद है बड़ा हो जाएगा, राहुल गांधी अगर हारते हैं तो कद्दावर नेता रहेंगे लेकिन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जिस तरीके से आज चुनाव हो रहा है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ एके मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लखनऊ की सीट पर राजनाथ सिंह प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम को वहां पर उतारा है और उनके खिलाफ कांग्रेस की ही पार्टी के एक प्रत्याशी हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी से यहां पर प्रत्याशी हैं। तो जो पूरे राजनीतिक समीकरण है, क्या कहेंगे लखनऊ के लिए आप? देखिए समीकरण आप ऐसे समझिए, एक तरफ तो आप ये देखिए शत्रुघ्न सिन्हा किस पार्टी से लड़ रहे हैं, उनकी वाइफ किस पार्टी से लड़ रही हैं और क्यों लड़ रही हैं, वो प्रचार करने के लिए भी पहुंचे। हाँ सुनिए, एक चीज और देखिए, अगर श्रीमती पूनम सिन्हा का देखा जाए तो उनके लिए मोस्ट फेवरेबल जगह बिहार हो सकता है, वो बिहार के हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी तो लखनऊ से लड़ सकते थे। बिल्कुल। दूसरी चीज है प्रमोद कृष्णन जी को जो उतारा है, और लखनऊ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, वहां से बीजेपी के कई कद्दावर नेता उतरे हुए हैं। देखिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने भी ये बोला, देखिए अब बाई चांस उनके उससे निकल गया या क्या था कि भाई हम कई जगहों पे बीजेपी का वोट काटेंगे, तो इसीलिए ये डिबेट हो रही थी या चर्चा हुई कांग्रेस कैसे महागठबंधन में, कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस भी इस चीज को अच्छी तरीके से जानती है कि ऑल ओवर इंडिया में ये परफॉर्म नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते, महागठबंधन में सब लोग एक हैं। कांग्रेस की कंडीशन ऐसे है कि अपने आप को वो दिखा रहे हैं कि वो महागठबंधन के बाहर है, स्पेशली अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का कॉन्सेप्ट है वो समाजवादी पार्टी बीएसपी और आरएलडी का है, कांग्रेस का है नहीं। तो ये भी एक रणनीति होती है कि आप बाहर रहते हुए भी भीतर वालों को सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट कैसे करेंगे। प्रमोद कृष्णन किस बेस पे जो है लखनऊ से जीत जाएंगे, या तो इतनी बड़ी कांग्रेस की लहर है, अगर कांग्रेस की लहर है तो कांग्रेस हर जगह से उन्होंने तो साफ साफ हार अपनी स्वीकार कर ली है। एक ऑडियो आपने सुना होगा, एक ऑडियो आपने सुना होगा, उसमें चक्रपाणी के साथ वो बात कर रहे हैं, साफ साफ उन्होंने कहा कि मुझे तो बलि का बकरा बना दिया। मैं यही बोल रहा हूँ कि यानी वोट काटना ये रणनीति। गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से। जी देखिए वोट गुलरेज जी सुन पा रहे हैं आपको? जी सुन रहा हूँ, बोलिए। देखिए कई बार कड़वी बात बोलता हूँ लेकिन जो सच होती है वो बात कहता हूँ मैं।
इसमें भी लखनऊ की समीकरण को आप देखें तो कांग्रेस पार्टी का वो महागठबंधन जो तथा करते थे उसका दोहरा चरित्र एक्सपोज हो गया। वो किस प्रकार से जो प्रमोद कृष्णन जी को वहां उतारा गया, वो तो हिंदू वोट काटने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को पड़ता उसको काटने के दृष्टिकोण रखते हुए इन्होंने उतारा। और वहीं इनकी एसपी बीएसपी के साथ एक इंटरनल जो अलायंस था उसमें इन्होंने जानबूझकर कायस्थ प्रत्याशी को उतारा, शत्रुघ्न सिन्हा जी की वाइफ को, क्योंकि वहां पर कायस्थ वोटर भी बड़ी संख्या में है। लेकिन ये लोग शायद ये भूल जाते हैं कि हमेशा जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होती है अधिकांश समय। अच्छा गुलरेज जी, मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, एक प्रश्न का मेरे उत्तर दीजिए। आप वहां पर अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं, पूनम सिन्हा को या फिर प्रमोद कृष्णम को? एक बात आपको बता देना चाहता हूं, कद्दावर नेता की बात कर रहे हैं, इंदिरा जी भी चुनाव हार गए थे, जो लहर परिवर्तन का लहर चल रहा है ना उसमें आप एक कद्दावर नेता की बात कर रहे हैं, पांच साल जो आपने काम किया उस लहर में आप कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए, नहीं ये कोई लॉजिक नहीं है। देखिए, इंदिरा जी हार गई थी तो इसलिए हारी थी कि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, आप परिस्थिति विशेष को देखिए ना। तो उसका उसका क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या उसकी सोच है, ये भी हमें जानना जरूरी है। जिनको संत कह रहे हैं उन्होंने तो हार स्वीकार कर ली है पहले। नहीं आप, अच्छा किस एंगल से आप उनको संत कहते हैं? क्यों नहीं संत हैं? प्रमोद कृष्ण जी संत नहीं है। कैसे संत तो है, संत के लिए कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? नहीं नहीं, कैसा कौन जारी करेगा? आरएसएस? कैसे आरएसएस देगा? आरएसएस देगा क्या? आरएसएस नहीं है। तो प्रमोद कृष्ण जी आपको आपकी जानकारी बता रहा हूँ, कल की बीच में फिर मिश्रा जी बोल रहे हैं। नहीं आपसे आपकी जरूरत नहीं है ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप रुकिए तो सही। बोले मैंने पहले निवेदन किया था। बोलिए प्रमोद कृष्णम जी कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर हैं और ये बात शायद मिश्रा जी की जानकारी में नहीं होगी इसलिए बता रहा हूं। आपने वो ऑडियो सुना है? नहीं, मुझे पता है, ऑडियो वायरल है, सोशल मीडिया आप चलाते हैं ना कृष्णम साहब का, मुझे बायोग्राफी पता है सर। सोशल मीडिया का आप वीडियो वो आपने देखा है कि नहीं, सुना है, ऑडियो सुना है कि नहीं? आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ, इससे आगे भी तो बढ़ गई। बोलिए 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 दूसरा विषय बोलिए बोलिए तीसरा विषय है किसान। जिसके ऊपर जो वोट मांगते हैं हमेशा राजनाथ सिंह जी, वो है किसान। और उस किसान को 2 अक्टूबर को जो उन्होंने लठ मारा, गोलियां बरसाई, 5 किलो यूरिया चोरी कर लिया, 18% का जीएसटी लगा दिया, गन्ना किसानों की 10 दिन की पेमेंट देने की बात कही थी, कोई सा काम पूरा हुआ? और क्या बेरोजगारों को नौकरी मिली? क्या लखनऊ के बेरोजगार को नौकरी मिली? और जब आप वहां पर देश के, देखिए केवल सांसद नहीं थे आप, देश के गृह मंत्री थे, आपको जवाब देना पड़ेगा। उस नौजवान का भी आपको जवाब देना पड़ेगा और प्रत्येक वहां व्यक्ति का जवाब देना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कैसे कैसे मंदर सामने आने लगे हैं और देश के नौजवान बेरोजगार ये कहने लगे हैं बदल दो इन तालाबों का पानी, ये कमल के फूल को महलाने लगे हैं। वो सब तय हो जाएगा। ये जो आज बदलाव की बयार है, 23 मई को सारी चीजें आ जाएंगी। इस जुमलों की सरकार के अंदर अगर मोदी जी जिम्मेवार है, मैं समझता हूँ राजनाथ सिंह जी भी बराबर के जिम्मेवार है। अगर कहीं पे डिलीवर नहीं हो पाया, इन्होंने वायदे किए थे, मुसलमान वायदे डिलीवर नहीं हुए, इस देश में नोटबंदी लगी, मुसलमानों ने इस देश के अंदर 28% का जीएसटी लगा, लखनऊ इस देश के अंदर 50 रुपए का डीजल पेट्रोल इन्होंने देने के लिए कहा था, आज 80 रुपए मिल रहा है। आज इन्होंने किसान को जिस तरीके से आज आघात पहुंचाया है वो इस चुनाव के अंदर इनको जवाब देगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और ना केवल लखनऊ के अंदर और ना केवल किसी और एक पर्टिकुलर सीट की बात कर रहा हूं, इस देश के अंदर आज बदलाव के बयार है। आपने 5 राज्यों के चुनाव में देखा था कि किस तरीके से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को केवल 18% सीटें दी थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 3 महीने पुरानी बात है। और इस देश के अंदर बदलाव का चुनाव है, बदलाव की बयार है, लोग थक चुके हैं। जितना झूठ इस देश के अंदर 4 सालों में नहीं बोला गया, इन 5 सालों में बोला गया है। अशोक जितना 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 लखनऊ के माहौल बनाए में, 5 सालों में लखनऊ लोकसभा सीट के लिए जवाब है। प्रमोद कृष्णम को वहां से प्रत्याशी उतार के, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस वहां पर किसी भी स्थिति से मजबूत है? क्योंकि जिस तरीके से वहां पर समीकरण बना है, आपको बताएं, राजनाथ आप लखनऊ का छोड़िए, कांग्रेस यूपी की किस सीट पर मजबूत है? अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को छोड़ दिया जाए, अगर ये कांग्रेस एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली कहानी यूपी में इनकी हो गई है। ये उनको मिस वाड्रा को लेके आए, जानकारी मैंने सब पढ़ लिया, लोगों को दलितों को भारतीय जनता पार्टी ने धक्का देके भगा दिया,
उनको गले कांग्रेस ने लगाया वहां पर। सविता भाई फुले बंजारा लड़वा रहे हैं, देखिए क्या बात कर रहे हैं आप। खिसियानी बिल्ली खंबा नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नहीं है। भदोही के पता नहीं, अरे भैया पता नहीं कौन सी आप विश्लेषण कर रहे हैं। आपके विश्लेषण का मुझे तक समझ नहीं आ रहा है। आप ये बताइए लखनऊ की अगर आप बात करें, प्रमोद कृष्णन का राजनीतिक बैकग्राउंड आप बता दीजिए। आप प्रत्याशी दिए, एक सिंबल है, आप गृह मंत्री अगर अगर वहां पे चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने राम मंदिर का वादा किया था और जो डिलीवर नहीं किया। धारा 370 हटाने की बात की थी वो नहीं हटाई, 35 हटाने की बात की थी वो नहीं हटाई। इस बार चुनाव के खिलाफ देश का संत लड़ रहा है और वो संत लड़ रहा है जिसको 500 रुपए रिश्वत देने की कोशिश बीजेपी की सरकार ने की थी और उस व्यक्ति को दी थी जिसका आधार कार्ड ही नहीं है। तो इस तरह के लोगों को जवाब देने का काम ये संत देश का संत कर रहा है। कंप्यूटर देख ले, मध्य प्रदेश के अंदर संत रखिए, आज देश का संत सड़क पर है, संत सड़क और पर। जो उन्होंने जो वादा किया था, जो वादा नहीं निभाया, संत सड़क पर, आज वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अब जब मुद्दों को भटकाने की बात करने लगते जो देश के खिलाफ बात हो रही है उसकी जगह पर आप दूसरी जगह का मुद्दा लाके चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं देखिए आप इस डिबेट को चुनावी डिबेट में बताना चाहते हैं, भटकाने की कौन सा दुश्मन के ऊपर। गुलरेज शेख हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। गुलरेज शेख जी क्या कह रहे हैं? मैंने इतना ही अच्छा काम किया होता तो इनको 44-45 सांसद को अपना टिकट काटने के मजबूर क्यों हो गए? क्यों हो गए? अच्छा काम किए होते मोदी जी तो अपने 45 सांसदों को कहता क्षेत्र में जाओ। नहीं नहीं, 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 नहीं मायावती जी चुनाव का पर्चा क्यों नहीं भरा, क्यों मजबूर हो गई? राहुल गांधी जी क्यों वायनाड चले गए? भाई जीतेंगे तो वो अमेठी से भी, क्यों मजबूर हो गए जरा बता दीजिए। अब जाकर मोदी जी दो जगह के बीच में क्यों नहीं गए? क्योंकि काले झंडे दिखाने जो कुछ भी सांसद है उनको भी काला झंडा दिखाया गया था, चाहे वो बीके सिंह हो, चाहे महेश शर्मा हो, जितने भी सांसद आए क्षेत्र के अंदर उनको काले झंडे पब्लिक ने दिखाया। इनलिए इनको कारनामा काले चिट्ठे, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और विरोध करने का हक देती है सबको। नहीं नहीं, आप जब मोदी जी दो जगह से चुनाव लड़ते हैं तो कोई नहीं कहता, और राहुल गांधी दो जगह से लड़ते हैं तो हाय तो बम जीबी है पार्टी को करना चाहिए। आप ये बोल रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, मैं बोलता हूँ 33% से ज्यादा सारी पार्टियों के दागी नेता सांसद भरे हुए हैं। आप अपनी पार्टी में भी देख लो, आप भी देख लो अपनी पार्टी में 500-500 करोड़ रुपए के घोटाले करके संसद में बैठे हैं। तो आप किसके, आप सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी को दे दिया कि हाँ भाई आप जाओ चुनाव लड़ो, संविधान के हिसाब से ही है ना, तो आप जाके पूछो जिसने संविधान बनाया है। आप लोग जो पार्टी में राजनीति कर रहे हैं तो आप सिर्फ व्यक्तिगत हित के लिए राजनीति कर रहे हैं, आप समाज के लिए और देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर देश के लिए काम कर रहे होते तो आप लोगों को जब लगता है कि ये गलत है तो उसके लिए आप लोग चुप काए रहते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा सवाल एक मिश्रा ने यहाँ पर उठाया है। साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि अगर उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए तो आप उसके खिलाफ अभियान निकालिए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, उनसे बोलिए आखिर इनको क्यों चुनाव लड़ने दिया, क्यों नहीं वहां इलेक्शन कमीशन को। बिल्कुल अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी बात मिश्रा जी ने कही है, मैं स्वागत करना चाहता हूँ। ये देश के अंदर मुहिम शुरू होनी चाहिए। मजबूरी मत प्रकट करिएगा साहब, हम मजबूर हैं बीजेपी के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसका मतलब है जब आपकी सरकार बनेगी तब करेंगे, अभी करिए। अगर आपको सभी को करनी चाहिए मुहिम, मैं कह रहा हूँ सभी को इसमें जुड़ना चाहिए। लेकिन आप पार्टी कर नहीं पार्टी रहे हो ना, से ऊपर उठ करके आप लोग कर नहीं रहे हो ना, सुनिए ना, जब कौन सी पार्टी कर जब आप जैसे काम करने वाले लोग जब इस पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, माहौल तैयार होगा। बहुत से सुधार इस देश के अंदर हुए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन में भी हुए हैं। आप मानोगे? नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? अभी तो हमने बोला वो संत नहीं है, आपने मना कर दिया, हम नहीं मानेंगे। नहीं, संत तो वो हैं। आप उनको सब संत है ना, मैंने जवाब दिया क्यों? मैं सकता कि भाई वो संत है क्या है क्या नहीं। पीठाधीश्वर हैं भैया तो कैसे संत मानेंगे आप? स्वनाम धन्य संत। और मैंने कहा जो आतंकवादी है उनको हम मान रहे हैं संत, आप बताइए। संत की ऑडियो खुद वायरल हो गई है, अब वो सही है गलत है मैं क्लेम नहीं करता हूँ, जांच का विषय। पहले उसका मीटर ड्राइवर थे, पहले उसको सजा दे दीजिए आप।
वो चुनाव लड़ रहे हैं उनको पहले पहले और उनको पहले कह दीजिए कि वो संत नहीं है। फिलॉसफी से ये वर्ड संत आता है उसी फिलॉसफी में ये डिफिनीशन दी गई है संत की क्या परिभाषा होती है। तो अगर आपको उस फिलॉसफी का ज्ञान है तो आप अपने आप बोल दो। जितने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय तो क्या भगवा भगवा रंग इन्होंने नहीं नहीं भगवा कॉपी राइट कराया क्या इन्होंने कि यही पहनेंगे किसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धारण नहीं करते प्रमोद कृष्ण भगवा धारण नहीं करते हैं। आप बताइए अगर कोई दूसरा पहनेगा तो इनको ऐतराज है और ये पहन के घूमेंगे आतंकवादी पहन के घूमेंगे ऐतराज नहीं है। तो भगवा इस देश का आतंकवादी भगवा पहन के घूम रहा है ऐतराज नहीं है। देखिए भगवा पर कॉपीराइट की जो भी सनातन जो भी भगवा पहन के पहन सकते हैं क्यों नहीं सभी को अधिकार है। फिर क्यों बोल रहे हैं कि ये कॉपीराइट है जो भी हिंदुत्व को 120 करोड़ जनता का कॉपीराइट है नेचुरल कॉपीराइट है भैया कॉपीराइट है जो भी सनातन संस्कृति को इस सदी के अंदर इस वाले हमारा जो चरण चल रहा है उसके अंदर कल की धाम को ये माना गया है कि भगवान विष्णु अगर अवतार लेंगे तो कल की धाम में लेंगे कल की अवतार कैसे होगा देख ले आपका कितना ज्ञान है। आपने सुन लिया एक वर्ड सुन लिया कल की मैं बताता हूँ कल की अवतार का क्या महत्व है जब आपको पूरा पता ही नहीं है तो मत बोलिए ना भैया। मैं क्यों नहीं बोलूंगा मिश्रा जी मैं बैठ पे आया हूं। चलिए आपको रोकना चाहूंगा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एके मिश्रा जुड़े थे, कांग्रेस से संजय गुप्ता थे, राजनीतिक जानकार अशोक यादव थे, समाजवादी पार्टी से अशोक शाह जुड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी से गुलरेज शेख जुड़े हुए थे। आप सभी मेहमानों का आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। We'll be right back.